समुद्र के उस पार डूबता उगता सूरज और किनारे पर लहराती लहरें। किसी भी समुद्र तट पर यह नजारा बहुत आम है और इसे ही देखने के लिए कोई कोसों दूर से आता है तो कोई समंदर पार से। लेकिन किसी भी समुद्र तट पर आने से पहले हम जिन जरूरी बातों का ख्याल रखते हैं उनमें अहम है वहाँ की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, इको फ्रेंडली वातावरण और व्यवस्थित प्रबंधन। और इसी को जानने और समझने के लिए आज हम आपको जिस समुद्री तट पर लेकर चल रहे हैं वो है गुजरात का शिवराजपुर समुद्री तट। जहाँ की समुद्र तट प्रबंधन, स्वच्छता और सुरक्षा सराहनीय है, इसीलिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए जिन 13 समुद्री तटों का चयन किया है उसमें शिवराजपुर बीच प्रमुख है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने समुद्र तटीय इलाकों में दीर्घकालीन इको टूरिज्म पर जोर दिया है। इस मकसद को पाने के लिए एकीकृत तटीय प्रबंधन की संस्था यानी साइकॉम ने बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज यानी बीम्स कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम एकीकृत क्षेत्रीय प्रबंधन परियोजना का हिस्सा है। बीम्स कार्यक्रम का मकसद समुद्र से प्रदूषण दूर करना, कचरा प्रबंधन, तटीय इलाकों की साफ सफाई, तटीय इलाकों में सैलानियों की सुविधाएं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और तटीय इलाकों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। साइकॉम इज लुकिंग एट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऑफ 13 बीचेस इन इंडिया एंड वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ बीम्स प्रोग्राम वेयर वी आर लुकिंग एट कंजर्वेशन, मरीन लिटर, क्रिएटिंग फैसिलिटीज। One of the aspects that is central to all this is involving people, conserving the facilities there and making smaller facilities to make the beach a beautiful place. BEAMS कार्यक्रम में सैलानियों की सुविधा के लिए पर्यावरण के अनुरूप शौचालय, कपड़े बदलने की सुविधा, साफ पेयजल व्यवस्था का बंदोबस्त किया गया है। संसाधनों की अधिकतम क्षमता और ऊर्जा प्रबंधन के लिए गंदे पानी को साफ करने का संयंत्र, बिजली की जरूरत पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का संयंत्र, ठोस जैविक कचरों के निस्तारण के लिए संयंत्र इत्यादि की व्यवस्था है। व्हाटएवर इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव क्रिएटेड हियर दैट इज इन कोऑर्डिनेशन और दैट इज प्रिजर्विंग दैट इज working in sync with the local system, especially we are not disturbing the ecosystem of this area and in fact we are promoting that one, we are giving some safeguard to them in my opinion. सुरक्षा से जुड़े खतरों का जायजा लेकर सेफ स्विमिंग हेवन नामक स्नान करने का दायरा सुनिश्चित किया गया है। ये दायरा रंगीन चिन्हों और रस्सियों की दीवार के भीतर बंधा है। तटीय इलाकों में स्नान के लिए तय समय में निगरानी के लिए टावर लगाए गए हैं और बचाव उपकरणों से लैस सत्यापित रक्षकों की तैनाती की गई है। स्नान की जगह वाले पानी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता मानकों की नियमित जांच की जाती है। बीम्स कार्यक्रम में दिव्यांगों की जरूरतों के अनुरूप रास्ते, रैंप और व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बीम्स प्रोग्राम इज एसेंशियली अबाउट इको टूरिज्म, दैट्स अबाउट सस्टेनिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, आवर कोस्टल इकोसिस्टम्स while also giving adequate facilities to the tourists. आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए साइकॉम नियमित तौर पर आई एम सेविंग माई बीच कार्यक्रम का आयोजन करता है जिसमें समाज के सभी हिस्सों से जुड़े लोग शामिल होते हैं।